कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर झारखंड राज्य में पीएम केयर फंड और अन्य स्रोतों से 48 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं। बोकारो जनरल अस्पताल में भी प्लांट लगाया जाना था, जिसे अब बोकारो सदर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी जानकारी बुधवार को बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने दी। एमबीजीएच के पास अपना सफिशियंट ऑक्सीजन है, क्योंकि उन्हें दो दो सोर्स है। एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर रहता है और उससे उनको ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा फैक्ट्री से पाइपलाइन जो है, गैस पाइपलाइन, वो डायरेक्ट बीजीएच के पास आ गया है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज किया कि मुझे नहीं चाहिए, और हम लोगों ने सरकार से अनुरोध कर सदर हॉस्पिटल में ही उसको दो कर दिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।